वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं किसी जमाने में कॉमेडियन रहे कपिल शर्मा के बारे में, जो आजकल चूतिया पंथी करने में लगा हुआ है। पहले तो ये बंदा दारू पी के प्लेन में छिछोरापन करता था, उसे ये बंदा पैसे के लिए अपनी सकता है। जहाँ सीमा पर तनाव है, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, वहीं ये चूतिया ये बंदा दुबई में जाके पाकिस्तान टीम को प्रमोट कर रहा है। वैसे ये सब करने से अच्छा था कि रोड पे जाके इस प्रकार का डांस कर लेते। कम से कम लोग गुस्सा तो नहीं करते, क्यों हाथी भाई? बिल्कुल सही बात है। वैसे इस की कारनामों पे सफाई देने के लिए आ रहे हैं हमारे दिल्ली के सीएम, दिल्ली के दिलों की धड़कन सर अरविंद केजरीवाल जी। तो शुरू करते हैं। वैसे सफाई लेने से पहले एक शानदार कहावत हो जाए, कहते हैं कामयाबी इंसान के अंदर जुनून भर देती है या फिर अहंकार भर देती है, क्यों हाथी भाई? सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये बंदा आपकी नजर में क्या है? ये देशद्रोही है। और क्या है? ये कश्मीरी है, ये जेएनयू वाला है। तो इस के साथ क्या करना चाहिए? इसको मारो, इसको पकड़ो। अगर इससे भी काम नहीं बनता तो को पाकिस्तान भेज देंगे। बिल्कुल सही बात है। अरे हाथी भाई सही बात तो है, लेकिन तिवारी जी सर जी को हमको कुछ करने ही नहीं देते दिल्ली में। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो आपको ही पता होगा क्यों हो रहा है। साहस मिल रहा है? किसका सहारा मिल रहा है? साहस मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास पे बिठा बुला के उनके साथ फोटो खींची जाती है, वो फोटो ट्विटर के ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। अरे डॉक्टर साहब आपने कब फोटो देख ली? सही बात बोल। खैर छोड़िए, सही समय आने पर ट्विटर वाला फोटो पे चर्चा जरूर होगी। फिलहाल सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ जी। अरे नहीं सर, आप तो आते एक नहीं दो चार बोली। चुनाव लड़ने की ताकत नहीं बची अब सरकारें तोड़ेंगे, सरकारें गिराएंगे। खैर मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, ये आपके मामला है। वैसे एक सवाल मेरा रह गया था जो सबसे पहले शायद पूछना चाहिए था कि आज आप सुबह से कहाँ थे, आप लेट कैसे हो गए? मैं आज सवेरे से टीवी देख रहा था। वाह सर वाह, क्या बात। वैसे आप तो टीवी के मूवी के तो शौकीन हैं ही, लेकिन आज के प्रोग्राम में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? दलित मूर्ख हैं। खैर छोड़िए, सर जी से बातचीत एक मजाक था। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी सी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटा दबा दीजिए, जिससे सारी कृपा बनी हो।